इटावा में ट्रैफिक पुलिस के दरोगा को छुट्टी मांगना महंगा साबित हुआ। दरोगा ने यातायात TSI राजकुमार शर्मा पर मारपीट आरोप लगाया है, जिसके बाद 59 वर्षीय दरोगा की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद साथी कर्मियों ने दरोगा को कल देर शाम जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आराम करने की सलाह दी। वहीं दरोगा इस घटना से बुरी तरह से आहत है, कल से लेकर अभी तक इस घटना से घबराए हुए नजर आ रहे हैं और आज फिर से जिला अस्पताल डॉक्टरों को दिखाने पहुंचे हैं। CO ट्रैफिक अमित कुमार को मामले की जांच सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस में तैनात एक दरोगा ने अपने प्रभारी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है दरोगा अपनी बीमार पत्नी के उपचार के लिए TSI के पास छुट्टी मांगने गए थे। इस दौरान TSI ने दरोगा को थप्पड़ मारे और गला दबाने की बात पीड़ित ने बताई। TSI राजकुमार पर कई मामलों की जांच हो रही है। 2019 में एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी। TSI पर फर्जी चालान स्लिप बनाकर वसूली करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में भी तत्कालीन SSP ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक राजकुमार शर्मा का काफी पहले गैर जनपद ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन उनकी जगह अभी भी किसी को तैनाती नहीं दी गई। SSP जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच CO अमित कुमार सिंह को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPM।